चल रे बदसूरत ठुड्डी, अब सच बता तूने अपने बच्चे को क्यों मारा? तो मैं छोटू का सोतेला बाप हूँ, उसकी और मेरी आपस में कभी नहीं बनती थी। हर दिवाली वो मेरी लुंगी में सिंगाड़े वाला बम फोड़ता था, मेरी टुई पूरी लाल हो जाती थी। लेकिन एक दिवाली सिंगाड़ा बम तो फटा, लेकिन उसके साथ और भी कुछ फटा। एक फट से आवाज आई, मेरी लुंगी से मेरे कंचे ही गायब हो चुके थे। मेरे कंचों की यादों में मैं बहुत रोया। डॉक्टर ने भी बोल दिया था अब इनका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ लगवा लिया है ऊपर। हाँ, जैसे अब तो बड़े सुंदर लग रहे हो तुम। एक सेकंड, अगर वो उसकी ठुड्डी नहीं है तो फिर मैंने क्या पकड़ा था? छी, मैंने सोच लिया था मैं उस सड़ेले छोटू से बदला लेके रहूंगा। कंचों का बदला कंचों से होगा। कोई कंचे खेल रहे हैं यहाँ पे? मैं सबको हरा सकता हूँ। विकी नहीं, दूसरे कंचों की बात हो रही है। ओह, पर मुझे नहीं पता था अनार बहुत जम से फटता है। छोटू के कंचे क्या, आधा धड़ी उड़ गया। कितने वाहियात आदमी हो तुम। मैं तुम्हें अच्छा आदमी समझता था। कोई बात नहीं सर, मैं इन्हें आइसक्रीम दिला के लाया। अरे मुझे अभी याद आया, मैंने तो बिना हाथ धोए ही खाना खा लिया था। तो देखा आपने, कंचों की मारामारी में अक्सर हम अपनों को खो देते हैं। मैं तो उस अनार के बारे में सोच रहा हूँ, उस पे क्या बीती होगी, उसे किसी की चट्टी में फूटना पड़ा होगा। खैर दोस्तों, आप लोग सावधान रहे और सेक्सी और सतर्क रहे। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट एपिसोड में, नॉट योर टाइम ने बनाया तो। तब तक के लिए सबक एक को सीख हम सब। इसकी तो